तो दोस्तों, आजकल के एक स्मार्टफोन में एक नया फंक्शन को ऐड किया गया है जिसको हम लोग वर्चुअल रैम बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नया फीचर स्मार्टफोन में ऐड किया है, इसका उपयोग बहुत पहले ही किया जा चुका है। हाँ, लेकिन इसका उपयोग सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप में, मतलब आपके कंप्यूटर में होता था, लेकिन अब स्मार्टफोन कंपनी ने क्या किया कि इसका उपयोग अब मोबाइल में भी दे दिया है। और साथ ही साथ ये आपको हम बताएंगे कि वर्चुअल रैम से क्या फायदे हैं और इसे कैसे आप यूज कर सकते हैं और कौन कौन से वो स्मार्टफोन है जिनमें वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं मेरे चैनल इजी टू टेक को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस वर्चुअल रैम के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका वर्चुअल रैम है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेन बात यह है कि जो भी ये वर्चुअल रैम, बूस्टर रैम या रैम प्लस, जो भी आप इसको बोलिए, तीनों एक ही है। कंपनियां अलग अलग है तो अलग अलग नाम से इसको पुकारती हैं। सैमसंग रैम प्लस इसको बोलता है और वन प्लस बूस्टर रैम बोलता है। सभी में मतलब सेम ही होता है, केवल नाम अलग अलग होता है, काम सबका एक ही होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैनुअल नहीं होता है, ये सारा का सारा चीज होता है ये, और आपके फोन में जो है वो ऑटोमेटिक होता है। जब भी आप लगातार किसी एप्स पे काम करते हैं या आप मल्टीटास्किंग करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर आपका फोन क्या करता है कि ऑटोमेटिक उसको वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर देता है और आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिक इसका जो वर्चुअल रैम का इस्तेमाल करने लगता है। तो आइए हम जानते हैं कि यह काम आखिरकार ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जब भी आप कोई नया फोन लेने जाए, तो उस नए फोन लेने से पहले इस डिटेल को आप चेक कर लें कि उसमें फिजिकल रैम या वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे फोन है, जैसे सैमसंग का फोन हो गया, वन प्लस का फोन हो गया, वीवो का फोन हो गया, ओप्पो का फोन हो गया, इन सब में अब वर्चुअल रैम देना स्टार्ट कर दिया है कंपनी ने। अब चलिए आप जानते हैं कि यह काम कैसे करता है। जैसे एक फोन है वीवो X60 का फोन है, उसमें अगर आप उसका फीचर देखते हैं, कोई भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं भी आप फीचर उसका आप देखते हैं, उसमें लिखा है कि 12GB रैम प्लस 3GB रैम, इसके बाद 128GB इंटरनल या 256GB इंटरनल मेमोरी। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपका फोन, तो आपका स्मार्टफोन क्या करेगा कि जरूरत पड़ने पर वह वर्चुअल रैम को बढ़ाकर 12GB प्लस 3GB यानी 15GB कर देगा, और जो भी आपका इंटरनल होगा उसमें से आपका वो जो 3GB है वो कट कर देगा। कि मान लीजिए आपका 128GB का स्टोरेज है, तो उसमें आपका 3GB कम हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। अगर आपका 256 है तो उसमें भी 3GB कम हो जाएगा तो आपका 253GB हो जाएगा। तो आपके जो इंटरनल स्टोरेज है उसी को वो काट कर वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर देता है। इसी से मिला जुला कर ये वर्चुअल रैम को बनाया गया है। आप बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है जो सस्ते दाम पे आपको मिल जाएंगे, 12 से 15,000 के बीच में जाइएगा तो वर्चुअल रैम का सपोर्ट का मोबाइल आपको मिल जाएगा। ये सैमसंग का ए सीरीज का फोन है, इस सीरीज में भी है वर्चुअल रैम का सपोर्ट। अगर आपके पास पहले से कोई फोन है, लेटेस्ट फोन है, और आप जानते नहीं है कि मेरे मोबाइल में जो है वर्चुअल रैम का सपोर्ट दिया गया है नहीं दिया गया है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। आप अपने फोन की सेटिंग में जाकर उसमें एक आता है डिवाइस केयर का ऑप्शन, उसमें आप रैम में जैसे जाइएगा तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में जो है वो रैम प्लस या बूस्टर रैम दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ इसके एडवांटेज की। होता क्या है कि आपके फोन में एक साथ कई एप्लीकेशन को चलाने में ये बहुत ज्यादा आपके मदद करता है। तो वर्चुअल रैम से ये आपको फायदा है कि कम प्राइस में भी ज्यादा रैम वाले फोन आपको मिल जाएंगे। और इसमें होता क्या है कि फिजिकल रैम पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये क्या होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर फीचर है, आप अपने फोन को अगर आप अपडेट करते हैं तो अपडेट के साथ ही आपके फोन में भी आ सकता है, इसीलिए आप अपने फोन को लगातार अपडेट करते रहें। अगर आपके फोन में ये फीचर नहीं दिया गया है तो आप शायद अपडेट से आपके फोन में ये फीचर आ भी जाए, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर फीचर है, कोई हार्डवेयर फीचर ये नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप एक नया स्मार्टफोन लेने जाएं तो उसमें आप यह चेक कर लें कि इसमें जो है वो वर्चुअल रैम का सपोर्ट दिया गया है या नहीं दिया गया है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा फोन लेना है, आपको वर्चुअल रैम वाला फोन लेना है या बिना वर्चुअल रैम वाला फोन लेना है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरी और मैं तो बोलूँगा कि जब भी आप कोई 10 से 12 हज़ार या 15,000 के बीच में ले तो वर्चुअल रैम वाला स्मार्टफोन ही ले, क्योंकि उसमें आपको फायदा है, उसमें आप बहुत सारे मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स को भी चला सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी वर्चुअल रैम के बारे में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी टिप्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।